सो गाइज, वैसे तो एक जो है काफ़ी दुख भरी समय है ये स्कूल का फेयरवेल। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, फेयरवेल पार्टी एक पार्टी नहीं होती है। इस पर हमारी भावनाओं जुड़ी होती हैं, भावनाएं और हमारे अंदर की फीलिंग्स। ये एक ऐसा पल होता है जिस पर जो है अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है। मैं अपने शब्दों से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं वहाँ पर था तो मेरे अंदर से, मैं क्या ही बताऊँ, एक शब्द भी मेरे अंदर से नहीं निकल रहे थे। क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी चीज़ों को याद करते हैं हम, और याद करते हैं तो अंदर की चीज़ें काफ़ी अंदर से गहराई से हमको प्यारी लगने लगती हैं। जब वो चीज़ सामने होती हमारे तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है तो हमें वो चीज़ प्यारी होने लगती है। इसका मतलब है कि मेरा जो स्कूल था, जब तक मेरी क्लासें चलती थी, जब तक मेरे पढ़ने जाया करता था, तब तक मेरे लिए नॉर्मल था। कभी भी ऐसा लगता ही नहीं था, और अंदर से ऐसा लगता था कौन जाए स्कूल, स्कूल जाने का मन नहीं किया करता था। लेकिन जब मेरा लास्ट डे था स्कूल का, उस समय अंदर से खुशी तो थी कि मेरा स्कूल छूट जाएगा, लेकिन जब अंदर से मैंने सोचा गहराई से कि अब ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी, हमारा 12th के बाद हमारे अंदर जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि इंटर तक यानी 12th तक तो है कि आप घर से पैसा लेकर के पढ़ाई करते हैं, इसके बाद आपको अपना टारगेट चुनना है। टारगेट कि आखिरकार आपको करना क्या है। इंटर तक तो आपकी स्कूली पढ़ाई चलेगी, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, स्कूल के अंडर पर रहता है। लेकिन वहीं पर इंटर के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपके कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपको खुद चयन करना होगा। यहाँ पर किसी का दबाव नहीं रहेगा, आप पढ़ने आइए या ना आइए, कुछ करिए या ना करिए, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा कि हम मार खाएंगे वहाँ पर, किसी चीज़ का ये नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ऐसी दिक्कत होगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, आपके आसपास कोई भी नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं, उसे देख करके काफ़ी अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं ही बता सकता हूँ, लेकिन शब्दों से नहीं बता सकता। अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं टूट गया था उस पल, जिस समय फेयरवेल में सभी कोई रो रहा था। लेकिन ये चीज़ सभी के अंदर है, लड़के हमेशा जो है अंदर से टूट जाते हैं लेकिन कभी बाहर दिखाते नहीं हैं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आएगा, लेकिन वो अंदर से ऐसे टूट जाएंगे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। ऐसे मेरे क्लासमेट के कुछ ऐसे थे जिनको कहा गया था कि आइए आप कुछ दो शब्द कहिए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये पल जो है काफ़ी यादगार रहेगा, भावुक वाला दिन रहेगा। मेरा हो चुका है, वैसे तो वीडियो तो मैं बाद में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और हमारे वो सारे टीचर, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएँ जिन्हें हम लोग परेशान किया करते थे, जिन्हें हम लोग कहते थे अलग अलग नाम लगा करके, कहने मतलब है कि अलग अलग नाम से लोग जो है हमारी क्लास के जो है सभी कोई अलग अलग नाम दे दिया करते थे टीचर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये हमारे लिए इतिहास बन गया। हम जब आगे चल के अपने बच्चों को या फिर अपने किसी उसको बताएंगे, हम आगे चल के हम जब किसी को बताएंगे तो ये हमारे लिए इतिहास ही तो है, और क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं है। अब ऐसा पल दोबारा आएगा भी नहीं, इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि ये सारी यादें जो है हमको संभाल करके रखना है, क्योंकि इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इन्जॉय नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो टीचर थे, जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएँ थे, उन्हें हम लोगों ने बहुत परेशान किया है, हम लोगों को मतलब हमारी पूरी क्लास। जब हम लोगों ने परेशान किया है तो उस समय तो हमें कुछ नहीं लगता था, लेकिन जिस समय हम वहाँ से बाहर निकल रहे तब ऐसा लग रहा था कि अरे ये टीचर्स
बहुत परेशान किया हमने। इसके बाद जो है हमारे जो दोस्त यार हैं, जो हमारे क्लासमेट हैं, एक दूसरे का टिफिन चुरा करके खाया करते थे हम लोग एक दूसरे का, और हमको खाने को नहीं मिलता था। हम नीचे पानी पीने के लिए आते थे, ऊपर जाते जाते हमारा टिफिन ही गायब, पता नहीं कौन खा गया, किसी को पता भी नहीं लगता था। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये सब जाएंगी कहाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सब यादें होती हैं हमारे दोस्त यार सारे, कोई जो है ये हर कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं अंदर से। इसे फील करने के लिए काफ़ी कुछ आपको करना पड़ेगा, अंदर से एक शांत माहौल होना चाहिए आपके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं इसको यादगार के तौर पर रखूँगा, और आप लोग भी देखिएगा, और हमारे जितने भी चाहने वाले, जितने भी जानने वाले हैं, वो देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। ये हमारे लिए इतिहास है, याद बन कर के रहेगी हमारे पास, और मैं इसे सेव ड्राइव पर भी रख दूँगा, क्योंकि ऐसे पल दोबारा नहीं आएंगे।